बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में चल रही महागठबंधन की जन विश्वास महारैली के दौरान युवाओं की बड़ी तादाद देखकर कांग्रेस के नंबर वन नेता राहुल गांधी ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सेना में दो तरह के सैनिक हो गए हैं, अग्निवीर ऐसे सैनिक होंगे जो शहीद होकर भी उसका दर्जा नहीं हासिल कर सकेंगे, न जीते जी सुविधा मिलेगी और न शहीद होने पर सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इन अग्निवीरों को 6 महीने की ट्रेनिंग देकर चीन और पाकिस्तान की मजबूत सेना के सामने भेज रही है। एक तरफ पाकिस्तान और चीन के सैनिक सालों भर ट्रेनिंग लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे मोदी जी कुछ माह की ट्रेनिंग देकर अग्निवीर जवानों को बॉर्डर पर खड़ा कर देते हैं, यह अन्याय है। उन्होंने आगे कहा, हम लोग भाजपा और आरएसएस से नहीं डरते हैं, हम लोग भाजपा और आरएसएस को यहां से हटाकर इंडिया की सरकार बनाएंगे। देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है, यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहां से ही शुरुआत होती है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ हिंसा अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत। जैसे मैंने यात्रा में कहा, अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हो, एक लाइन में समझा जा सकता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम। नफरत क्यों फैल रही है? ये नफरत का देश नहीं है, आप सब जानते हो। आपके दिल में, हिंदुस्तान के नागरिकों के दिल में नफरत नहीं है, मोहब्बत है, प्यार है, एक दूसरे का आदर है। तो सवाल उठता है कि इस देश में